नमस्कार, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे 21-7 सोच अपने अपने। इसमें किसी विषय के विपक्ष अपक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस विषय में पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के खंडन के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। यह नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाएं। तो यह दो चित्र है, गांव का है और नगर का चित्र। दूसरी ओर है नगर का चित्र। गांव के चित्र में कच्चे मकान दिखाई देते हैं और वहाँ लोग कई स्त्रियां पानी पर तालाब में से पानी भर के जाती है। एक स्त्री है वो कपड़ा धो पानी तालाब में से कपड़ा धोती है। एक लड़का है वो पानी में नहाता है। एक कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। गांव के में जो कच्चे मकान है उसके आसपास क्या है तो बड़े बड़े पेड़ है, पहाड़ है और वहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण दिखाई देता है। और नगर की ओर देखते हैं तो वहाँ नज़दीक मकान दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, वाहनों की अवर जवर ज़्यादा लगती है, शोर बकोर। वहाँ नगर का वातावरण कैसा है, वाहनों की अवर जवर होने से शोर बकोर वाला प्रदूषित वातावरण लगता है। गांव के लोग तालाब में से पानी पीते हैं, नदी तालाब में से कुएं में से पानी पीते हैं। शहर के लोग नल में से पानी पीते हैं। गांव के लोग सादगी भरे कपड़े पहनते हैं, शहर के लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। गांव का वातावरण कैसा है तो प्रफुल्लित वातावरण, अच्छा वातावरण होता है। और शहर का वातावरण कैसा है तो शोर बकोर वाला वातावरण होता है। गाँव में शांतिपूर्ण वातावरण होता है तो शहर में शोर बकोर ज़्यादा होती है। अब हम ये दोनों चित्र देखें, उसके बारे उस चित्र के द्वारा हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोनों चित्रों में क्या अंतर है तो दोनों चित्रों में यह अंतर है कि एक चित्र है वो गांव का है और दूसरा है नगर का चित्र। गांव में कच्चे और छोटे छवाई मकान दिखाई देते हैं, कच्चे मकान दिखाई देते हैं। और शहर में क्या है तो शहर में एकदम नज़दीक मकान दिखाई देते हैं और पक्के मकान दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं। गांव में लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं और शहर में लोग शोर बकोर वाले प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। गांव में लोग तालाब में से कुएं में से पानी पीते हैं, शहर में लोग कहाँ से पानी पीते हैं, नलों में से पानी पीते हैं। गांव में लोग सादगी भरे कपड़े पहनते, शहर में लोग फैशनेबल कपड़े पहनते। अब गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है क्यों? तो गांव में लोग छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहते हैं, वो अपने खेतों में अनाज पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं और वो अनाज और सब्जियां ताज़ी सब्जियाँ और अनाज खाते हैं। और शहर के लोग बाज़ार में से अनाज लाते हैं, बाज़ार में से सब्जियां लाते हैं और वो सब्जियां पका के खाते हैं। गांव के लोग तालाब में से कुएं में से पानी पीते हैं, शहर के लोग नल में से पानी पीते हैं। गांव के लोग सादगी भरे कपड़े पहनते हैं, शहर के लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। गाँव में ज़्यादा शोर बकोर नहीं होता और शहर में वाहनों की भीड़भाड़ ज़्यादा होती है, वहाँ वाहनों की अवर जवर ज़्यादा होती है, शोर बकोर ज़्यादा होते हैं
इसलिए गांव का शहर का वातावरण कैसा होता है, प्रतिष्ठित होता है। इसलिए हमें गांव के प्रफुल्लित वातावरण में रहना अच्छा लगता है। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि तालाब के चारों ओर किनारों पर से मिट्टी गिरती है और वो पानी प्रदूषित होता है। गांव तालाब में कई लोग नहाते हैं, कपड़े स्त्रियां कपड़ा धोती है और प्राणी भी तालाब में से पानी पीते हैं, और ऐसा प्रदूषित पानी पीने से हमें कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमें ये तालाब का पानी पीना नहीं चाहिए। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वर्धन या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धियों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी है। बिजली की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी सिद्धि है। बिजली आज हमारा भोजन पकाती है, कमरा बुहारती है, पंखा चलाती है, प्रकाश देती है। अनेक कारखाने उसी की शक्ति से चलते हैं। सचमुच बिजली का आविष्कार आज के युग में कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ है। विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। रेल, मोटर, जलपथ और हवाई जहाज़ों के जरिए आज हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात में पूरी कर सकते हैं। समाचार या संवाद वहन संबंधी वैज्ञानिक आविष्कार भी अद्भुत है। तार के द्वारा थोड़े समय में हम दूर दूर तक समाचार भेज सकते हैं। टेलीफोन की करामत किससे छिपी है, और बेतार के तार, वायरलेस, संगणक आदि के द्वारा पलभर में विश्व के किसी भी कोने से समाचार भेजा जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। ग्रामोफोन और रेडियो से काफ़ी मनोरंजन मिलता है। सिनेमा विज्ञान की अनुपम देन है। इसका उपयोग रेडियो की भांति मनोरंजन के साथ शिक्षा के लिए भी होता है। दूरदर्शन द्वारा देश विदेश के दृश्यों को हम देख सकते हैं। वीडियो द्वारा तो हम घर पर भी ही जब चाहे तब मनपसंद फिल्म या अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारों ने आमूल परिवर्तन कर दिया है। आज नेत्रहीन को आँख मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर कृत्रिम अंग भी बिठाए जा सकते हैं। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतर भागों की छानबीन और इलाज संभव हो गया है। विज्ञान द्वारा अनेक असाध्य रोग भी साध्य हो गए। नए नए प्रकार के हल, ट्रैक्टर काटने छांटने के यदि यंत्र आदि विज्ञान के कृषि विषयक आविष्कार है। तो इस तरह विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप है। तो दूसरी ओर विज्ञान के द्वारा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, पिस्तौल जैसे की खोज भी हुई है। इससे हमारे मनुष्य या मात्र को नामशेष करने वाली विषैली गैस भी विज्ञान के द्वारा खोजी गई है। इस तरह हमारे लिए एक तरफ विज्ञान वरदान रूप भी है और एक तरफ अभिशाप रूप भी है। और इस खोज के द्वारा हम ऐसे परमाणु बम, पिस्तौल, इसके द्वारा कई लोगों की जाने भी जा सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। कौन शक्तिशाली है और कलम या तलवार? तो इसके बारे में हमें अपना विचार प्रकट करना है। तो हम कहते हैं कि कलम इतनी छोटी है पर अपना काम इतना बड़ा है कि आकार और चमक दमक के बल पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उनके गुणों को भी बड़ोपन दिया जा सकता है। कलम से हम हमारे जो महानुभाव है जैसे कि कालिदास, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद जैसे महान कलमवीरों ने अपने विचारों के द्वारा भावनाओं से समाज को बहुत कुछ दिया है और आज भी हम इन्हें याद करते हैं। और तलवार है
जो क्या करती है, तलवार है वो युद्ध में काम आती है, वो हिंसा करती है, गले काटती है और खून बहाती है। इस तरह वो निर्दयता को ही तो निर्दयी ही है, इससे इसका बड़प्पन मनाती नहीं है। वो हिंसा जरूर करती है, तलवार हिंसा जरूर करती है, लेकिन व्यक्ति समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा तलवार का भी उपयोग कर सकता है। तलवार अपने बल के लिए काम लगती है और कलम है वो अपनी बुद्धि के लिए काम लगती है। इतिहास में श्रीराम, श्रीकृष्ण, चंद्रगुप्त, शिवाजी, सिकंदर, नेपोलियन जैसे वीरों के नाम कलम के बल पर ही अमर हुए हैं। और तलवार में युद्ध के मैदानों में तलवार की शक्ति काम आती है। इतिहास में कई लोगों ने तलवार, श्रीराम, श्रीकृष्ण, चंद्रगुप्त, शिवाजी, सिकंदर, नेपोलियन जैसे वीरों ने तलवार को भी, तलवार से कई युद्ध किया है और वो अमर हो गए। इस तरह कलम तलवार है वो गला काटने और हिंसा करने के लिए काम लगते हैं, लेकिन कलम से लिखा गया जो पाठ है, काव्य है और कोई ग्रंथ है, वो आज भी हम उसे याद करते हैं। इसलिए तलवार से शक्तिशाली कौन है, तो कलम है। अब दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, यहाँ एक सौर सूर्यमंडल है, क्या है, एक सूर्यमंडल। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी की जन्म जैसी तस्वीरें, 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह, एक नया ग्रह है। शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाई फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। सौरमंडल के दो तारों में एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। यह देखो सौरमंडल के चारों ओर क्या है, एक गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा जिसमें पानी भी मौजूद होगा। इससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे की चारों ओर धूल की ऐसी मिट्टी या पट्टिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट और क्रस्ट व कोर निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं है किया जा सकता कि एक दिन वह धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिचर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों ने के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष तक लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल भी लग सकता है। ये साबर हिंदुस्तान 5 अक्टूबर 2007 में लिखा गया है। अब
प्रश्न इनके द्वारा हम कई प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो अंतरिक्ष की इस घटना से उत्साहित है कि इस अंतरिक्ष में एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा जिस पे पानी भी मौजूद होगा। सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की और बर्फीली बेट से यह संभावना बनती है एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। अब दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किसी अवस्था में है, लेकिन जानी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। अब दूसरा प्रश्न, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। 424 वर्ष तो प्रकाश पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष तो क्या है नए ग्रह की उम्र? 10 करोड़ वर्ष तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय स्पिट्जर स्पेस तो नासा का टेलीस्कोप कैरी सिस्से तो वैज्ञानिक। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण के आधार पर स्वातिया के प्रश्न। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखें। तो या वी प्र अ दूर अध नीर गैर ऐसे उपसर्ग दिए गए हैं, उनके द्वारा हम ये शब्द बनाने हैं पुनः बनाने हैं। तो भिन्न है तो विभिन्न लिखा है, तो देश तो विदेश, पका तो अधपका, गम तो दुर्गम, योग तो वियोग, जीव तो निर्जीव, बल तो दुर्बल, सम्मत तो गैर सम्मत, सुविधा तो असुविधा, वांछित तो वांछित का होगा अवांछित। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखें। तो हमें यहाँ प्रत्यय दिए गए, ईता ईख ईथ ईख नियम ईथ, यह उदाहरण दिए गए तो नियम प्लस ईद तो नियमित, विदेश प्लस एक तो विदेशी, प्रकृति है तो प्रकृति वत्ता एक तो प्राकृतिक, पुत्र प्लस ता तो पुत्रता, लापरवाह प्लस ई तो लापरवाह, चंचल प्लस ता तो चंचलता, यंत्र प्लस एक तो यांत्रिक, मानव प्लस ता तो मानवता, हंस प्लस ई तो हंसी। यह विदेश में क्या लगाया है तो एक प्रत्यय लगाया है, इससे विदेशिक बनता है। प्रकृति में एक प्रत्यय लगा के प्राकृतिक बना, पुत्र में ता प्रत्यय लगाते पुत्रता बना, लापरवाही में ई प्रत्यय लगाते लापरवाही बना, चंचल में ता प्रत्यय लगा के चंचलता बना, यंत्र में या एक प्रत्यय लगा के यांत्रिक बनेगा, और मानव में ता प्रत्यय लगाने से मानवता बनेगा, हंस में ई प्रत्यय लगाने से हंसी बनेगा।